दिल्ली हाई कोर्ट ने बफ बोर्ड में नियुक्ति में हुई कथित अनियमितता से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार गए दो लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान का भी नाम शामिल है। मध्य प्रदेश विधानसभा में मोहन यादव सरकार का बुधवार को पहला पूर्ण बजट पेश किया गया। प्रदेश विधानसभा में विपक्षी दल के शोर शराबे के बीच मोहन यादव सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3,65,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया। मोहन यादव सरकार का बुधवार को पहला पूर्ण बजट पेश किया गया। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौत हुई है। 4 जिलों हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा में रात भर शवों का पोस्टमार्टम किया गया। परिजन अपने लाश को लेकर इधर उधर भटकते रहे। प्रशासन ने अब तक 21 मौतें की पुष्टि की है। भारतीय टीम ने लंबे वक्त के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस को खुशी दी। 2024 T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर टीम इंडिया ने 13 साल के बाद कोई ICC ट्रॉफी अपने नाम की। रोहित एंड कंपनी बाबरडोस में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 चैंपियन बनी थी। अब टीम इंडिया वापस स्वदेश लौटने के बाद मुंबई में चमचमाती हुई ट्रॉफी के साथ खुली बस का दौरा कर सकती है। दिल्ली में मानसून के आने के बाद भी भीषण गर्मी के प्रकोप से राहत मिली है। बीते शुक्रवार को हुई भारी बारिश में गर्मी के असर को कम किया है, लेकिन उमस अभी भी बरकरार है। दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री कम 36.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। प्रभास की पैन इंडिया फिल्म कल्कि 2898 AD की धूम बॉक्स ऑफिस पर बरकरार है। फिल्म दर्शकों का दिल जीत रही और ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। कल की 2898 AD 27 जून को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और हर रोज करोड़ों में कलेक्शन कर रही है। वहीं अब हफ्ते भर की कमाई के साथ फिल्म भारत 400 करोड़ क्लब में एंट्री लेने के करीब आ गई है। T20 विश्व कप 2024 में पाकिस्तान की टीम खराब प्रदर्शन को लेकर अब तक आलोचनाओं का दौर जारी है। टीम अमेरिका से उलटफेर का शिकार होने के बाद यह ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। यह टीम पिछले दो ICC टूर्नामेंट से अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही है। T20 विश्व कप से पहले वनडे विश्व कप में भी टीम पहले राउंड से बाहर आ गई थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को हुए हादसे में कई लोगों की मौत हो चुकी है। मेरी जानकारी के अनुसार इस भगदड़ में कल 134 लोगों की मौत हुई, जिसमें से प्रशासन ने अभी तक 121 लोगों का नाम ही सार्वजनिक किया है। बताया गया था कि सत्संग में भागदौड़ अचानक हो गई थी, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की परीक्षा के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि इच्छुक और योग्य उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर इसकी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। भारत के T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद अब टीम इंडिया का T20 में टेस्ट शुरू होने वाला है। इस टेस्ट के लिए भारतीय टीम रवाना हो चुकी है। बता दें कि सीरीज 5 मैचों की होगी और संन्यास लेने के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा इस टीम में हिस्सा नहीं रहेंगे। इस टीम की कप्तानी शुभमन गिल को सौंपी गई है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। यह याचिका वकीलों के साथ मीटिंग बढ़ाने को लेकर लगाई गई है। इसमें मांग की गई है कि उन्हें हफ्ते में 4 बार वीडियो मीटिंग करने की इजाजत दी जाए। फिलहाल केजरीवाल को अपने वकीलों को सप्ताह में 2 बार बात करने की इजाजत मिली हुई है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बुधवार को मोहन यादव सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर निशाना साधा। उन्होंने इसे जनता से विश्वासघात वाला बजट बताया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव से पहले जो वादे किए थे, उन्हें बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया है। इससे मध्य प्रदेश की जनता को भारी निराशा हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के धार स्थित विवादित भोजशाला परिसर की सर्वे का काम पूरा कर लिया है। SSI ने मंगलवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक आवेदन दायर पर विवादित परिसर पर अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शहर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की सहायक इंजीनियर को लोकायुक्त पुलिस ने 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। महिला अधिकारी ने ठेकेदार से उसकी मदद के नाम पर 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इंदौर नगर निगम के बजट में शामिल किया जाने वाला यह पुरस्कार शहरी हरियाली में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाएगा। महापौर पुष्य मित्र भार्गव ने बताया कि शहर में 7 जुलाई से 14 जुलाई तक 51 लाख पौधे लगाने के लिए अभियान चलेगा।